चले बेटा आपके लिए चलते। सर टाइम नहीं खड़ा होगा, ठीक है। बल्कि सारे ही आप कर ले जरा रोल लगा कर। मैंने भी कुछ पॉइंट इधर लिख दिए है तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैडम साहब को थोड़ी दावत देंगे। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है दाखला का, दाखला 100%। इससे मुराद ये है कि जो बच्चे हैं 4 से 9 साल के, उन पे गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव में 4 से 9 साल के, वो आप स्कूल में उनको दाखिल करवाएं। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये सवाल ऐसे कि मैंने वो लिखा हुआ शॉर्ट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो उस सिलसिले में पैगाम ये है, वो कहते हैं जो बुनियादी तालीम है प्राइमरी, वो बहुत ज़रूरी है सब के लिए। एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम जो है बुनियादी वो सब के लिए है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट का बार बार ये पैगाम है, वो कहते हैं जी 4 से 9 साल के जितने भी बच्चे हैं वो उनको स्कूल में आप लाएँ, बजाय इसके कि वो गलियों में महलों में फिरते रहे हमारा, वो कहते हैं स्कूल में लाएँ उनको। आगे है गैर हाजिरी। स्कूल में जब बच्चा दाखिल हो जाता है तो वालदैन फिर यही अक्सर शिकायत होती है, वो कहते हैं छुट्टियाँ बहुत करवाते हैं, बाकी छुट्टियाँ बहुत करवा दी, तो कहीं भी जाना है वो साथ ले जाते हैं बच्चे को, तो इस तरह उसका ना जो लेसन है उससे रह जाता है, बड़ा लॉस होता है। अब इतना एक दफ़ा बच्चे को जब आप दाखिल करवा देते हैं, वो अपनी मुतलका क्लास जो है वो पास करे, फिर स्कूल तो पहले इतना कहते हैं बच्चा का फारिग नहीं होना चाहिए, बड़ी सख्ती है। आपको पता है पूछ ले मैडम साहब बैठे हुए साहब बैठे हुए, बच्चों की हाजिरी का बड़ा मसला हो रहा है, रेटिंग वाले भी आते हैं और भी दुनिया बार बार यही पैगाम मिलता है कि भी हाजिरी पूरी करें, सवाल ही नहीं पैदा होता वजह क्या है उसके अंदर देखे क्यों बच्चा जो है वो खा लिया, उस पर बड़ा जोर देने के लिए रेडी हो जाओ बेटा, रेडी हो जाओ। उस सिलसिले में बात सुने उधर बात सुने, ये तो मैंने पहले बताया ना कि गैर हाजिरी इस वजह से पीछे रह जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सब तरह छुट्टियां कर ली, 10 से 2 दिन आ गए फिर छुट्टियां कर ली, उनका लेसन बड़ी दूर पीछे चला जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं डल है या पीछे रह गए कमज़ोर है, उनकी आप सपोर्ट करें घर में, उनको कहें जैसे उनका होमवर्क मिलता है आप उनको कहें, अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो उनको पाबंद करें कि बेटा पहले स्कूल का काम करे, अगर वो रूटीन पे अपना काम करता रहेगा तो फिर पीछे नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे जो रिजल्ट है ना जिसको हम कहते हैं ना तालीम, ये मैंने लिखा हुआ है तालीमी मियार नहीं बढ़ता फिर उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है,
वो इसी तरह है कि आप ही तवज्जो करेंगे तो फिर ये सारा काम होगा। अगर साहब वालदैन स्कूल में आप आए, मैडम साहब है, स्टाफ है, इनसे मिले, पूछे बच्चा कैसा जा रहा है, स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा, उसकी पोजीशन क्या है, आप पूछेंगे तो फिर पता चल अदारा किस लिए आपके लिए बनाया गया, टीचर आपके लिए, स्कूल आपका है। अगर आप नहीं आएंगे, आप नहीं पूछेंगे तो फिर क्या फायदा। तो इसके बाद था एक पॉइंट छोटा सा, मैंने डेंगू से बचाव लिखा था, ये बैनर भी लगा हुआ, इससे भी गवर्नमेंट काफ़ी ऐड दे रही है, बार बार पैगाम आ रहा कि सफाई का खास ख्याल रखें, जहाँ भी गंदा पानी खड़ा है, पुरानी चीज़ें कचरा वगैरह उसको साइड पे आप फेंक दें, और पानी जो है साफ उसमें ये ज़्यादा आता है, तो साफ पानी पे यही सुना है कि ये ज़्यादा इसी पे हमला करता है। तो प्लीज़ आप इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि सफाई जो है वो भी मिसर ईमान है। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपकी ये थोड़ा करूँगा सपोर्ट, आप इन्हीं पॉइंट को लेकर आगे जाएंगे, जरा वजाहत करेंगे, तो मैं थोड़ा सा मैडम साहब को हैंड ओवर करता हूँ। मैडम साहब प्लीज़ कैरी ऑन। अस्सलामु अलैकुम जी, सारे मेरे मौजूद बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, मेरी बेटियां भी बैठी हैं बीच में बहुत सारी, तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि थोड़े से टाइम में आपको बुलाने पे सारे लोग आप फौरन फौरन आ गए, तो मुझे इस चीज़ का बहुत इस चीज़ की मुझे खुशी हुई है। तो बाज़ औक़ात हम आपको बुलाते रह जाते हैं तो आप नहीं आते, लेकिन आज हमारे महकमा से हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो जैसे ही हमने आप लोगों को बुलाया, माइक के ज़रिए ऐलान करवाया, या बच्चे गए फर्दन फर्दन, तो आप बहुत जल्द भरोसे निकल के आए, बहुत अच्छी बात है। आप आएँ, आपका अपना इदारा है, आपका अपना घर है, आपके बच्चे हैं, आपका स्कूल है। हम तो यहाँ गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हम तो पढ़ाने के लिए आते हैं, और यही हमारी ड्यूटी है कि हमने बच्चों को पढ़ाना, उनकी तरबियत करनी है, उनको आगे ले जाना। तो मेरी जो टीचर्स हैं माशाल्लाह, वो भी बड़ी कोशिश कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें हमें जो मेरे मसले थे जितने भी, वो सारे सर ने डिस्कस कर दिए हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल आप भेजेंगे तो बच्चों का तालीम अच्छी यार उनका अच्छा होगा, तालीमी मैार अच्छा होगा। जो आप बच्चे स्कूल नहीं भेजते हैं, थोड़ा बहुत आप मतलब कर जाती हैं माएँ, मुझे सारे आपकी तरह है कि कपास के माएँ कपास के चली जाती हैं, आपके और भी बहुत से धंधे हैं, चारा भी आप लोगों ने लाना, सब माएँ नहीं भी जाती लेकिन कुछ माएँ बीच में से जाती हैं, तो आप सब घरेलू खवातीन हैं, मुलाजमत वाले के लिए होता है तो खुद पे चला जाता है, तो आप जब काम पे चले जाते हैं, आप बच्चे को कह जाते हैं कि आपने स्कूल जाना है, और बच्चा स्कूल नहीं आता, वो इधर उधर घूम फिर के घर वापस चला जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ के लिए कोशिश करें कि जब आप घर आते हैं, आप देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ गए, तो उससे आप अगले दिन स्कूल पहुँचें। वैसे तो ये आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरा जो स्कूल का मुलाजम है, वो हर रोज़ उन बच्चों के घरों में उनकी माएँ गाँव गवाह बैठी हैं कि वो जा जा के बच्चों को घरों से निकाल के लाता है। देखिए मैंने फायदा है सिर्फ आप लोगों का फ़ायदा है, आपके बच्चों का फ़ायदा है, हमें तो अल्लाह पाक ने खिला देना है इस चीज़ का, हमने जो अपना मुआवजा है उसको हमने हलाल करना है, हलाल करके खाना है। हम कहते हैं कि जो हम गवर्नमेंट से मुआवजा ले रहे हैं ना, वो हमारी कमाई जो है ना वो हक हलाल की हो जाए, वरना हम आएंगे चेयर से बैठेंगे, बैठ के घरों को चले जाएंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रिजल्ट साल बाद एंड में जो थोड़ा बहुत ख़राब होगा या अच्छा होगा, वो नकलें करवा ली, बहुत कुछ चल रहा है, रुझान बहुत जो है ना वो बिगड़ गया हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि हम इतनी काबिज जो कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की मदद दरकार है हमें, आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए, आप हमारे साथ तावन कीजिए, और बच्चों को स्कूल जो है ना वो लाजमी है, छुट्टी नहीं करनी है। बाकी दाखिले खारजी के लिए भी हमारी बहुत जदोजहद है, हम खारिज तो बच्चों को नहीं करते, मजबूर हो जाते हैं, हमने ऐसे बच्चे भी दाखिल किए यहाँ पे जिन बच्चों का वजूद नहीं स्कूल में आया, उसके बावजूद अभी तक मेरे टीचर्स जो हैं वो पल्ले से उनकी फीस पे करके उनको चलाए जा रही हैं, और मेरा मुलाजम चार दिन के, तीन दिन के, दो दिन के बाद फिर जाता है कि माँ से रिक्वेस्ट करता है कि बच्ची को स्कूल भेज दें। मेरे टीचर्स ने खुद भी आप लोगों से रब्ता किया, आप माएँ शायद वो नहीं बीच में ऐसी बैठी, हो सकता है ऐसी माएँ हैं आपकी हमसाइयाँ हैं, आपके मोहल्ले की हैं, तो आपकी मदद से आप लोगों ने उनको गाइड करना है। ये जो इतनी अच्छी मीटिंग यहाँ पे हुई है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही मददगार साबित होगी इस काम के लिए कि आप पढ़ी लिखी सुलझी हुई माएँ हैं जो यहाँ फौरन पहुँच गई हैं,
जो अपने बच्चों की तड़प रखती हैं, आप पढ़ाई का शौक रखती हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों पढ़ें, तो आप कौन कौन स्कूल पहुंच गए हैं इस चीज़ को समझने के लिए। मैं आपकी वसात से उन माँ को पैगाम भेजूंगी, उन बहनों को पैगाम भेजूंगी कि आप उन्हें भी बताएं कि आप अपने बच्चों को बगैर स्कूल भेजेंगे और थोड़ा सा टाइम उनके लिए ज़रूर निकालें। मैं जब भी कहती हूँ, आप लोग कहते हैं हमने बच्चे ट्यूशन पे डाल दिए, मैं आगे से कहती हूँ ट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जो टीचर पढ़ा देता है, टीचर सबक इतनी मेहनत से सिखा देता है, उसको 20 बार 40 बार आप कहते हैं बच्चों से, ये कहते हैं, मैं खुद कहती हूँ बच्चे नहीं आता तो आप मेरे पास है, आप 40 बार अपने टीचर के पास जाएं, वो समझाएंगी। जब एक टीचर ने पढ़ा दिया, समझा दिया, कहवा दिया कि घर में काम सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के उन पे आपने तवज्जो देनी है, आप नहीं भी पढ़े तो आप कह सकते हैं बच्चे याद करें, बैठ के लिखे, सबने भी ये सारी बातें बता दी हैं। आप कहते हैं ट्यूशन पे चले जो, आप ट्यूशन पे भेज देते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता, बच्चे घूम फिर के, उसमें भी ट्यूशन वाले का भी हमारा जो रुझान बना हुआ है, 15-20-30 बच्चे बैठे हैं, पढ़ लिया, याद हो गया, चलो जी छुट्टी होगी, घर चले गए। मैं हमेशा ट्यूशन के रुझान से आपको मना करती हूँ, मैं बच्चों को भी रोकती हूँ कि आप ट्यूशन पे बच्चों को ना भेजें। मैं कहती हूँ कि शायद ट्यूशन से बच्चा लाइफ हो जाएगा, कोई शरबत नहीं है जिसको हमने चीनी में डाला घोल के पिला दिया, पढ़ाई है इसको जितना हमने पढ़ना है ना उतना ये होता चला जाएगा, उतनी मेहनत करो तो उतना दिमाग जो रोशन। एक बच्चा होता है कुछ नहीं करता, उसको कहते हिफत पे डाल दे, पुराने पास हिफत कर ले, वो बच्चा माशाल्लाह 30 पारे, जो एक इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, वो अपने दिमाग में हिफत कर लेता है ना, तो ये सबक भी कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ वहाँ फिर ये होता है चकाली साहब का डर आ जाता है, डंडे का डर आ जाता है, और बच्चे को पता है पास हो गई निकलना, ये हमारी जद्दोजहद होती है कि वहाँ से बच्चा कामयाब हो जाता है, यहाँ से क्यों नहीं होता। हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हम सब उनकी माओ की तारीफ करती हैं, हमारे इस मंदिर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो ये मैं बड़ा चाहती हूँ कि सामने स्कूल है, ये देखती हैं, ये हर रोज मित्रों को कुर्सियों पे बैठा देखती हैं, आप भी देखती हैं आपके बच्चे भी उनकी ऐसे बैठे। मैं कहती हूँ हमारे सबके बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बारे के बारे में इस बारे में बच्चे जब गलियों में घूमते हैं, मुझे बहुत दिले दुख होता है जब बच्चे गलियों में घूम रहे होते हैं, मैं उनको मना भी करती हूँ, फिर मैं उसकी माँ से भी कह आती हूँ आते आते रस्ते में कि देखो इनको पढ़ाया करो, इस पर तवज्जो, ये बच्चा कमजोर है, ये इस तरह से है, तो हम तो आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहते हैं, आप थोड़ा सा अमल का पाबंद करें, बच्चों को स्कूल बाकायदगी से भेजें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बच्चे को छुट्टी नहीं करने दें, ठीक है, और बच्चों को साफ सुथरा करके भेजा करें, नहलाया करें, उनके कपड़े धोया करें, कोई बात नहीं, हम इतना खर्चा करते हैं, और बच्चे के यूनिफॉर्म का, जूते का जरूर ख्याल किया करें, ठीक है। यहाँ तक मेरी टीचर्स उनके बाल भी बना देती हैं, कंघी भी कर देती हैं, कोनी भी पहना देती हैं, अच्छी माँ जो है ना, अच्छी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बीच में बच्चियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, माएँ बीच में बैठी हैं जिनके बच्चे इतने अच्छे आते हैं, तो उनके लिए फिर हम क्लैपिंग करवाते हैं, और माँ को उसी वक्त हम अप्रिशिएट कर देते हैं, हम कहते देखिए इसकी अच्छी माँ है जिसने अपना अच्छा बच्चा बना के दिया है, आप सब माएँ बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा आप फुर्सत निकाल लें टाइम से, आधा घंटा टाइम निकाल के बच्चे को तैयार करके, बाजियाँ पढ़ चुकी हैं, बाजियों से कहा करें कि बच्चे को अच्छी तरह से, और मैं कहती हूँ हर घर में 5 जमातें तो माँ नहीं तो बहन तो पढ़ चुकी है, और 5वीं तक तो वो कुछ ना कुछ बच्चे को करवा सकती है, थोड़े से घर के धंधे समेट के बच्चों का मुस्तकबिल यही है, इब्तदाई सफेद यही है, जैसे बच्चा छठी में जाएगा ना वो अपनी होश संभाल लेता है, वो कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है, आप इन पर तवज्जो दें। सर डेंगू पे भी थोड़ा, हाँ इसके साथ ये डेंगू वाली मुहिम चली थी, बहुत सारा बच्चों को हम डेली लेक्चर भी देते हैं, आगाह भी करते हैं, तो ये बहुत ही मुझी मरज है, बहुत ही ऐसी बुरी वबा है कि जिससे बहुत सारी हमारे पंजाब के अंदर जाने नुकसान हुई, तो मैं आप सब माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मौसम अब इसकी नकल अभी अफजाइश हो रही है, ये मौसम ऐसा है अभी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी मच्छर, तो इसके लिए मच्छर से बचने के लिए आप जरूर कोशिश किया करें, बच्चों को पूरे बाजू वाले कपड़े पहनाया करें, घरों में सफाई रखा करें, कचरा वगैरह घर में ना डाला करें, अपनी गलियों को अपने मोहल्ले को खास तौर पर साफ रखा करें, मेरे स्कूल के जितने भी थोड़ी सी जगह जो है ना उसका ख्याल किया करें। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, मैंने इस साइड के सब अपने हमसायों से रिक्वेस्ट की है, मेरी हमसाई भी प्यारी बैठी है, मैं तीसरे दिन यहाँ से ना वो करके तो आग लगवाती हूँ साइडों से, खुदा रहा कोई इसके लिए अच्छा निज़ाम सोचें,
ये कूड़ा यहाँ ना फेंका करें, क्योंकि मच्छर आपके बच्चे, इस दायरे के अंदर आपके बच्चे, आप माए हैं, आपके बच्चे बीमार होंगे तो हमें भी दुख होगा और आप माए हैं आपको भी होगा। गंद कचरा जो है इसको कहीं दूर दबा दिया, जला दिया, ठीक है, मच्छरदानी आपके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सर्दियाँ कमरों में सो जाते हैं, लेकिन उसके लिए लोशन है, 5 रुपए में वो साशा आ जाता है, मैट कभी कभार लगा लिया। अब एक दफ़ा आप थोड़ा सा अगर कर लेती हैं ना, तो मेरा ख्याल 200-300 हज़ार 2 हज़ार भरने से हम बच सकते हैं। और ये ऐसी बीमारी है कि इसकी जल्दी शिनाख्त नहीं होती है, बच्चे को बुखार तेज़ हो जाता है, बच्चे के जिन्हों के दाने बन जाते हैं, बच्चे की आंखें सुरख हो जाती हैं, पीछे दर्द शुरू हो जाता है, खुदा ना करे ये मुझी मर्ज चक के अंदर आए। हम हर वक्त यही कोशिश कर रहे हैं, हमने स्कूल के अंदर कहीं से कोई पानी कोई गंदगी गलाजत था चीज़ खत्म करवा दी है, बहुत सारा पैसा खर्चा हमने ये वाले सारे ग्राउंड साफ करवाए हैं। तो इस तरह आप अपने घरों को अपने मोहल्लों को साफ रखें, अपने बच्चों का ख्याल करें, मच्छर से खास तौर पर, जो दूसरा भी मच्छर आम भी काटता है उससे बच्चे को बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, मलेरिया हो जाता है बच्चे के और बच्चे की पढ़ाई के लिए। अब माएँ इस चीज़ का ख्याल करें, ऐसा कोई किसी के साथ मैं खत्म करती हूँ। हाँ जी, तो मेरी यही आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को स्कूल दीजिए। ये सर के आने का मैं बहुत फायदा हुआ कि आपने इनकी बातें सुनी और मेरा कल अमल भी हो गया। हाँ जी, रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा बच्चों की तरबियत के बारे में, माओं को, हाँ जी, अदब अदाब के बारे में थोड़ा सा मेरे टीचर देगी। बाजी जी, 2 मिनट जी, मैं खाने वाला हूं। हाँ जी, मैं छोटी चाहूँगी, अच्छा चले देख ले लीजिए। अच्छा अमल है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा पसंद किया है, और पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों जन्नत में जाएंगे। और जो तालिब इलम ऐसा फौत हो जाता है इस हालत में कि वो पढ़ रहा है, तो उसका सही 2वें दर्जा है, इतना अल्लाह पाक ने तालीम हासिल करने आलम का दर्जा दिया है, वो अल्लाह ताला के यहाँ जिंदा है और उन्हें खाना पीना वहाँ पे मिलता है। तो बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, और आइंदा मुल्क के लिए तो वो अच्छे साबित होंगे। दिमाग के आप अपने बच्चों को छुट्टी ना करवाएं और उनको वक्त पे तैयार करके आपके लिए रिक्वेस्ट है आपके आगे के उनको भेजे दें, और उनकी तबीयत का ख्याल रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, उनके कपड़े वगैरह साफ रखें, उन्हें नहला धुला के भेजें, और बच्चे आएंगे स्कूल पढ़ेंगे तो वो समझ सकेंगे कि हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है, वरना एक जानवर में और एक इंसान में फिर कोई फर्क नहीं रहता। समझ आई?